बिग बॉस 18 के घर के अंदर अपकमिंग एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों दिग्विजय सिंह राठी, विवेक देसेना और अविनाश मिश्रा के साथ जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के बीच में सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि टाइम गॉड जो है वो बन चुके हैं दिग्विजय सिंह राठी, यहां रजत दलाल और बाकी कुछ घर वालों के समीकरण से। अब दिग्विजय सिंह राठी को ड्यूटी असाइन करना था सारे घर वालों को। अब यहां पर दिग्विजय सिंह राठी कहते हैं कि विवेक देसेना और अविनाश आपको लंच के बाद के जो बर्तन है उसे मांजना है। इसके बाद यहां पर आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, विवेक देसेना और अविनाश मिश्रा कहते हैं कि जब तक दिग्विजय सिंह राठी टाइम गॉड होगा तब तक हम लोग कोई भी काम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी काम हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी बोलते हैं कि आपका पापा भी करेगा, मेरे टाइम गॉड जब तक मैं हूं तब तक आपके पापा भी काम करेंगे। ये बात जो है वो बोलते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो है सुबह होती है, इसके बाद सारे लोग जो है नाश्ता बना रहे होते हैं घर के कुछ लोग, और ऐसे में दिग्विजय सिंह राठी देखते हैं कि विवेक देसेना और अविनाश मिश्रा अपना नाश्ता वास्ता वाला कुछ चीजें जो हैं वो बना रहे होते हैं, और यहां पर दिग्विजय सिंह राठी आकर रोकते हैं यहां विवेक और अविनाश को और कहते हैं कि तुम लोग यहां पर खा नहीं सकते, तुम लोग अगर मेरे कार्यकाल में अगर ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम लोग खाने का हक भी तुम्हारे पास नहीं है। इसी बात को लेकर जो है दोनों के बीच में छीना झपटी जो है वो होता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों विवेक देसेना भी अपने जगह सही है और दिग्विजय सिंह राठी भी अपने जगह कहीं ना कहीं सही हैं। विवेक देसेना के मेल इको जो है पूरी तरह से हट हुआ कि वो टाइम गॉड थे तब दिग्विजय सिंह राठी ने कोई काम नहीं किया और अकड़कर उनसे बात कर रहे थे, और दिग्विजय सिंह राठी को यहां पर विवेक देसेना को जो है वो काम करवाना है, और इसी वजह से दोनों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो हो जाएगी ड्यूटी को लेकर कि यहां पर बीच में आना पड़ेगा बाकी घर वालों को। और अविनाश मिश्रा ने तो विवेक देसेना से कह ही दिया है कि इस दिग्विजय सिंह राठी को हमें टारगेट बनाना होगा करणवीर मेहरा को छोड़कर। तो यहां विवेक देसेना भी अविनाश मिश्रा की बातों को पूरी तरह से सीरियसली लेते हुए अब यहां पर पूरी तरह से दिग्विजय सिंह राठी को टारगेट करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो ये चीजें आपको अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा बिग बॉस 18 के घर के अंदर। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड और इन दोनों की लड़ाई में आप किसे सही मानते हैं कमेंट के जरिए ये बात भी आप हमें अपने कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं।